सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक पर्यावरण का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आंसर की हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका है 60% आपका ऑब्जेक्टिव है और 40% आपके सब्जेक्टिव हो रहे हैं, मतलब 60-40 का रेशियो आपका चल रहा है। तो इस सीरीज में हम 40 क्वेश्चंस के आंसर्स की को डिस्कस करेंगे जो आपको 22 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्प्लाई ए है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम, सी हार्मोनी विथ नेचर, की डी और ऑफ द अबव। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या का अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी कंसिस्ट करता है, सोशल प्रॉब्लम्स को भी अटेंशन देता है, और क्या होता है कि नेचर के साथ मीन्स प्रकृति के साथ भी क्या होता है वो एडजस्टमेंट मीन्स हार्मोनी करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी जो हो जाएगा सही, कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी। दूसरा क्वेश्चन हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स आरबीआई का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है इशू ऑफ करेंसी, बी है बैंकर टू द गवर्नमेंट, सी है वॉचडॉग ऑफ द अनइथिकल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, की डी कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। तो देखिए इसमें से पूछा आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन इसमें से नहीं पूछा है, तो आरबीआई करेंसी इशू करती है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है इसका फंक्शन, और बैंकर टू द गवर्नमेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेकंड का सही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, की नन ऑफ दीज, मीन्स एक ऐसा व्यवसाय क्या होता है जो दूसरों के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको एक रिटर्न मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जिसे हम बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाई आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईबीआरडी। इस पे भी मैंने एक सेशन लिया था, फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह के होते हैं, कैपिटल और मनी मार्केट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी में से है। द कैपिटल मार्केट मीन्स जो पूंजी बाजार होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर मनी मार्केट पूछा होता तो मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कंट्रोल करती है। मींस मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के बीच डील करता है और कैपिटल मार्केट किसके डील करता है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथे का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, FIPB स्टैंड फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशनल बोर्ड, बी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेटरी बोर्ड, सी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रिपरेटरी बोर्ड, एंड डी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो FIPB स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए जो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशनल बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर FDI इज नॉट परमिटेड, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि FDI को परमिटेड नहीं है, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल की, एटॉमिक एनर्जी। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा डी, एटॉमिक एनर्जी है जो ये जो है FDI यहाँ पे परमिटेड नहीं है, इसलिए सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात करें, विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द वैल्यू एंड बिलीव्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम ऑफ द सोसाइटी, इसमें ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारी वैल्यू और बिलीव्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स की, सोशियो कल्चर फैक्टर्स। तो सेवन को हो जाएगा सोशियो कल्चर फैक्टर्स, जिसमें हमारी क्या होती है, जिसमें बिलीव्स की, वैल्यू की, ट्रेडिशंस की, कस्टम्स की बात की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेवन का डी हो जाएगा, सोशियो कल्चर फैक्टर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड फॉर। पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, सी एस फॉर सोशल, एंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। ठीक, तो ई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एट्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इट स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, बी ऑप्शन हो जाएगा, इकोनॉमिक होता है ईस्ट का मतलब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन की हम बात करें, डैश इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्ड देयर रिलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई
अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन। मतलब एक ऐसा कौन सा प्रक्रिया है अगर हम प्रोसेस करें जिसमें एक जो संगठन होती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है वो उस वातावरण को, ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रीट्स को क्या कर सके, बिजनेस से अफेक्ट हो सके। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं? सी हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू। मीन्स अगर हम संगठन और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करें तो इसमें से विद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बी है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, सी है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, की डी ऑल ऑफ दी अबव। टू 10th का आंसर हो जाएगा डी। इसमें से सारे जो होते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट की बात करें तो ये सारे रिलेशनशिप क्या होते हैं, डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, मार्केट एंड ट्रेड साइकिल्स, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स, स्ट्रेंथ ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग, एंड डी है इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। देखिएगा इस बार के पेपर में बहुत सारे आपके स्पेलिंग्स जो हैं काफ़ी मिस्टेक्स हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा पता नहीं ऐसा क्या है कि आपके स्पेलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा। देखिए पार्ट को लिखा पॉट इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पता नहीं अब यूनिवर्सिटी के द्वारा इतनी गलती हो रही है तो बच्चों से क्या उम्मीद की जाए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, जियोग्राफिक, ग्लोबल एंड इकोनॉमिक। ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12th का डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 में है कि डैश विद देयर ऑन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, इंटरमीडियरी, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, सप्लायर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ विच एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। मैंने बताया है दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में माइक्रो, और माइक्रो की बात करते हैं हम। तो इसमें से कौन सा प्राइस सेंसिटिविटी है मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो माइक्रो एनवायरमेंट पे अफेक्ट करता है, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स। तो 14 का आंसर हो जाएगा 14 का डी, कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हु ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट। कौन सेंट्रल पोजीशन मींस केंद्रीय स्थिति पर कौन कब्जा करता है, कंज्यूमर करता है, कस्टमर करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, कि ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए 15 क्या हो जाएगा, अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है, एक सेंट्रल पोजीशन क्या होता है, डिजर्व करता है या ऑक्यूपाई करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेबी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स टू द ग्रुप विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, द इशू ऑफ सिक्योरिटी, द इन्वेस्टर, द मार्केट इंटरमीडिएट्स, की ऑल ऑफ द अबव। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कौन होता है इसमें से राष्ट्र के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कस्टोडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन होता है, दैट इज अ 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेबी, आरबीआई, आईबीआरडी, ये सब क्या है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन है, कि गोल सेटिंग बॉडीज हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें 18 का आंसर हो जाएगा, ये सब क्या है, आपकी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही, 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, फेमा इज अ रिप्लेसमेंट टू विच एक्ट, MRTP एक्ट, फेरा, सी कॉम्पिटिशन एक्ट, की डी कंपनीज एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था कि फेमा, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको रिप्लेस करके कौन सा एक्ट आया, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसलिए बी हो जाएगा 19 का बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। में से कौन सा इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट पॉलिसी को जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन, नीड फॉर चेंज, डिमांडिंग कस्टमर्स की डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा डी। ये सारे जो होते हैं फैक्टर्स जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें, लिबरलाइजेशन, मैंने ये बताया है एलपीजी पॉलिसी भी पढ़ा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ लिबरलाइजेशन से क्वेश्चन आया कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेटिंग अमंग इकोनॉमीज, एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल की डी, नॉन ऑफ दीज। तो 21 का आंसर हो जाएगा इसका डी, कि लाइसेंस को ख़त्म करना और गवर्नमेंट कंट्रोल को क्या करना, रिड्यूस करना, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 21 का, सी जो हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन से डायमेंशंस जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, इकोनॉमिकल एंड सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल की डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का, कि ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आए हैं, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग मार्केट, कस्टमर्स, मार्केट ओरिएंटेशंस, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे, 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ओवर द बिजनेस एंड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। व्यापार एवं उद्योग के लगाए गए नियंत्रण और प्रतिबंध का ढील का अर्थ क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, नन ऑफ दीज। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिबरलाइजेशन, जिसे हम उदारीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, SLR, CRR, एक्सचेंज रेट की, डी, ऑल। तो देखिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें SLR स्टैंड फॉर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, एक्सचेंज रेट भी, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स मौद्रिक नीति के होते हैं, इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, द मोस्ट रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल। तो सबसे ज़्यादा व्यावसायिक पर्यावरण का सबसे तेज बदलने वाला तत्व तो कौन सा है पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस और लाते हैं वो कौन से हैं, टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ज़्यादा जल्दी चेंजेस लाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि द पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच हैज़ टू बी कीप विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। मीन्स कुछ डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है RBI कैश के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसीज में, मैंने पढ़ाया हुआ CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी बैंक रेट, एंड डी रेपो रेट। तो ये कौन सा 27 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इकॉनमी विच इज रेगुलेटेड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसी इकॉनमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टरों के द्वारा मैनेज की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सोशल मिक्स्ड कैपिटलिस्ट की मैक्रो। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, मीन्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर, थर्ड सेक्टर का अर्थ क्या होता है, वॉलेंट्री सेक्टर, हाई टेक इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो थर्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है, आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, दिस इज अ सेवा क्षेत्र हो जाएगा आपका, टर्शरी सेक्टर मीन्स थर्ड सेक्टर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फेमा, एक्जिम के MRTP एक्ट। तो किस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट चेक करता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, MRTP एक्ट, ठीक है, MRTP एक्ट ये हो जाएगा, ठीक है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फॉर्मूला, सॉरी फुल फॉर्म होता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, कंपनी की इमेज इज अ फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस, कंपनी की छवियां व्यवसायों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली, बिजनेस पॉलिसी की, नन। तो कंपनी की जो इमेज है एक फैक्टर अफेक्ट करती है बिजनेस की, तो 31 का आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया। 31 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ए या बी, ठीक है, वैसे ए ही इसका आंसर होगा 31 का,
तो जो यूनिवर्सिटी इसको सही मानती है तो वही आंसर इसको लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा इसका 31 का आंसर आपका कितना है। नेक्स्ट है 32, डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइजेस। फ्री एंटरप्राइजेस मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्सड इकोनॉमी, मार्क्सिस्ट। मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी बार बढ़ाई हुई, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपके आ गए हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जो एक प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइजेस पे बेस्ड रहती है, तो वो कौन सी इकोनॉमी है, दैट इज योर बी हो जाएगा, पूंजीवादी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 33 है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज पास्ट फर्स्ट इन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिजोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ, 1947, 1948, 1991, 1956। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर 1948, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन 33 का सेकेंड। इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगेन फ्रॉम, देखिए यहाँ प्राइवेटाइजेशन की स्पेलिंग भी एग्जाम गलत है, तो इस और पेपर्स में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स जो आपके मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कब लाया गया, 1971, 1981, 1991 की 1976। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज योर 1991। नेक्स्ट है 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, डेफिसिट फाइनेंसिंग, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की रेपो रेट, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी का ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, पर्सनल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट का, 36 का आंसर हो जाएगा ये, दैट इज योर मनी एंड कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज रिफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंसरी पॉलिसी की, नन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है मनी इकोनॉमी में, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो 37 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर मौद्रिक नीति, ए मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें से डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का एक तत्व नहीं है, एज स्ट्रक्चर, फैमिली साइज, रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनैलिटी, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, रिसर्च और डेवलपमेंट जो है आपका एलिमेंट नहीं है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, गवर्नमेंट फैक्टर्स ऑल, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट में किसकी हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट 40 है, फाइंड द ऑड वन, मैक्रो एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कैसे, क्योंकि देखिए जनरल एनवायरनमेंट में आपके क्या आ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आ जाते हैं, और माइक्रो एक्सटर्नल होते ही हैं, वर्क एनवायरनमेंट जो है इसमें से एक विषम है, मीन्स एक ऑड है। तो ये आपके टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके आंसर की थे, आप लोग आंसर्स मैच करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करिए, और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है माना जाएगा वही आंसर आपके सही हैं। ओके, थैंक यू।